बीते 4.5 वर्ष से आप सभी के आशीर्वाद से ऐसे अनेक काम थे जिनके बारे में सिर्फ चर्चा ही हुआ करती थी। अब जब ये बातें जमीन पर उतर गई हैं, तब एक विश्वास जगा है कि मोदी है तो मुमकिन है। साथियों, राजस्थान के मेरे भाइयों बहनों और खासकर मेरे फौजी भाइयों को याद होगा कि कैसे 40 साल से उन्हें वन रैंक वन पेंशन के नाम पर झूठे दिलासे दिए गए। सिर्फ 500 करोड़ रुपए की बातें करके कहा गया कि वन रैंक वन पेंशन लागू हो जाएगा, लेकिन फिर भी किया नहीं 40 साल। आज जवानों के नाम पर आंसू बहाने वाले लोगों को उनके मुंह में शब्द शोभा नहीं देते। ये हमारी सरकार है जिसने वन रैंक वन पेंशन लागू किया और 20 लाख पूर्व फौजियों को लगभग 11,000 करोड़ रुपए के एरियर भी दे दिए। ये काम इसलिए हुआ क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। भाइयों और बहनों, आप मुझे बताइए, क्या कोई सोच सकता था कि ऐसी सरकार आएगी जो गरीब की रसोई से धुएं खत्म करने के लिए काम करेगी? लेकिन उज्ज्वला योजना के तहत राजस्थान के करीब करीब 50 लाख गैस कनेक्शन देकर हमने ये भी संभव कर दिखाया। ये भी काम हुआ है क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। साथियों, हमारे देश में गरीबों को घर देने की योजनाएं भी कई दशकों से चलती रही थी, लेकिन गरीबों को घर के लिए ठोस काम नहीं हुआ। पहले की सरकारों के समय एक एक घर बनने में 3-3 साल लग जाते थे। अब हमारी सरकार 2022 तक देश के हर बेघर को पक्का घर देने पर तेज गति से आगे बढ़ रही है। 4.5 साल में 1.5 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को पक्के घर की चाबी दे दी जा चुकी है। हम लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं और इसे पाकर रहेंगे क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। साथियों, क्या कोई सोच सकता था कि सिर्फ 4.5 साल में राजस्थान के 2.5 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खुलवाए जाएंगे? ये हुआ है क्योंकि मोदी है तो। इसी तरह क्या कोई सोच सकता था कि सिर्फ 1 रुपये महीना और 90 पैसे प्रतिदिन के प्रीमियम पर गरीबों को 2-2 लाख रुपए का बीमा सुरक्षा कवच मिलेगा? लेकिन ये भी हुआ है और राजस्थान के करीब करीब 70 लाख गरीब परिवार इससे जुड़े हैं। ये काम हुआ है क्योंकि मोदी है तो। साथियों, सरकारी सेवा और शिक्षण संस्थाओं में सामान्य वर्ग के गरीब बच्चों को आरक्षण का मामला ही लीजिए। दशकों से इसको लेकर मांग हो रही थी, लेकिन संविधान में संशोधन जैसा गंभीर प्रयास किसी ने नहीं किया। इसके पीछे नीयत की कमी भी थी
और केंद्र में पहले जो बिना बहुमत वाली सरकारें थी उनकी अपनी मजबूरी भी थी, लेकिन आपने जो मजबूत सरकार 4.5 वर्ष पहले बनाई उसने ये हौसला दिखाया और आज गरीबों को 10% का आरक्षण हकीकत बन गया है। ये काम भी इसलिए हुआ क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है।